ही दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल की ड्रामा म्यूजिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी वुड यू बी माय लव का लास्ट पार्ट। जी हाँ दोस्तों, ये लास्ट पार्ट है इस सीरियल का। सो मैं इसे डिस्क्राइब करने वाली हूँ। इसके ऑलरेडी बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आ चुके हैं। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जाकर पहले बाकी के वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आपको इस सीरीज़ की स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। और हाँ, साथ में प्लीज़ जाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा, ताकि नए आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग कि रूम में और कोई बच्चा नहीं होता, लेट तक सोता रहता है सन। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो वो भाग के जाता है रेडी होने के लिए। उसी के साथ हम देखते हैं कि वो पहुंच जाता है अपनी क्लास में। हम देखते हैं जब वो क्लास में जाता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि ओजोन आज उसकी सीट पे नहीं बैठा था, बल्कि वो किसी और नए स्टूडेंट के साथ बैठा हुआ था। और ओजोन की सीट पे आज एक नई लड़की इसके साथ थी, यानी कि जहाँ पे सन को बैठना है। हम देखते हैं वो इस चीज़ से काफ़ी अपसेट हो जाता है और जाकर अपने डेस्क पे बैठ जाता है और हेड डाउन कर लेता है। हम देखते हैं ओजोन को, जो कि उसे काफ़ी ध्यान से देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। एक तरीके से इन दोनों के बीच में जो दोस्ती थी वो टूट सी गई है। हम देखते हैं आगे कि यहाँ पे दिखाया जाता है बाथरूम में कि सब बच्चे नहा रहे होते हैं, तो वहाँ पे ओजोन भी आ जाता है नहाने के लिए। बाकी बच्चे तो चले जाते हैं, ओजोन नहा रहा होता है। हम देखते हैं सन को, जो कि ओजोन के पास जाता है उससे बात करने के लिए, लेकिन ओजोन वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से सन काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। आगे कैंटीन में दिखाया जाता है सन को, वहाँ पे भी वो अपसेट सा ही होता है, खाना लेता है और अकेले बैठ के खाने लग जाता है। साथ में फिर हमें दिखाई जाती है इनकी ग्रेजुएशन पार्टी। हम देखते हैं यहाँ पे ओजोन को, जो कि खाना ले रहा होता है प्लेट में, तो दूर से उसे देख के रैन और टैन कहने लग जाते हैं, चलो यार लास्ट बार इसे बुली करते हैं। हम देखते हैं वो लोग ना ओजोन के पास जाने लगते हैं। जब ओजोन देखता है कि वो उसकी तरफ आ रहे तो वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसे रोक लेते हैं रैन और टैन। टैन कहता है, अरे कहाँ जा रहे हो, इतनी जल्दी कहाँ है जाने की तुम्हें। तो यहाँ पे उसे कहता है रैन, मैं विश करता हूँ कि तुम्हें यूनिवर्सिटी में भी बुली किया जाए। तो यहाँ पे हंसने लग जाता है रैन की ये बात सुन के टैन, और उससे कहता है, अरे यार तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो इसके लिए। और दोनों ही काफ़ी हंसने लग जाते हैं और टैन कहता है उससे कि मैं विश करता हूँ तुम्हारे आगे की लाइफ इससे भी ज़्यादा बुरी हो। एक तरीके से बहुत ज़्यादा बुरे कमेंट कर रहे होते हैं यहाँ पे वो दोनों ही। हम देखते हैं यहाँ पे ना टैन उसे ड्रिंक कराने की कोशिश करने लगता है, कहता है ये लो ड्रिंक कर लो, तो यहाँ पे मना करता है वो जो, नहीं मुझे नहीं पीना। फिर वो दोनों कहते हैं तुम तो बोरिंग हो, जैसे पहले थे वैसे ही हो, चलो इसे अकेला छोड़ देते हैं, इसके साथ कोई मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे वो उसे अकेला छोड़ के चले जाते हैं। साथ में हम देखते हैं, हमें दूर नज़र आता है खड़ा हुआ सन, जो कि ये सब कुछ होते हुए देख रहा होता है। तो हम देखते हैं कि काफ़ी ध्यान से देखता है यहाँ पे सन, और वो यहाँ पे ड्रिंक कर रहा होता है, तो उसे देख रहा होता है दूर से ओजोन भी। तो सन ना वहाँ पे ग्लास रख के चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वॉशरूम में होता है, जहाँ पे ये लोग नहाते हैं ओजोन, तो उसके पास वहाँ पे सन आ जाता है। ओजोन उससे कहने लग जाता है कि क्या तुमने भी ड्रिंक किया है टैन और बाकी बच्चों के साथ, तुम्हारा फेस पूरी तरह से रेड हो गया है। तो यहाँ पे कुछ बोलता नहीं है सन, और उसके काफ़ी करीब आ जाता है। हम देखते हैं यहाँ पे जो सन होता है ना, वो नशे में होता है क्योंकि उसने ड्रिंक किया था। तो यहाँ पे वो एकदम से क्लोज आके किस करता है ओजोन को, जिससे ओजोन भी काफ़ी हैरान होता है। फिर हम देखते हैं सन वहाँ पे एकदम बेहोश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है आगे, हम देखते हैं स्कूल की क्लासरूम वगैरह, जो कि सभी खाली होते हैं, यहाँ तक कि जो हॉस्टल का रूम होता है वो भी खाली होता है। हमें दिखाया जाता है फिर स्कूल से बाहर निकलते हुए ओजोन को, जो आके गेट के बाहर वेट करने लग जाता है। उसके पीछे पीछे वहाँ पे सन भी आता है, और सन उसके पास आके कहने लगता है ओजोन से कि तुम अब तक घर नहीं गए। तो यहाँ पे उससे कहता है ओजोन, मैं अपने भाई का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ना उसे कहने लग जाता है एकदम से सन, थोड़ी धीमी आवाज़ में, कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ही वियर्ड है, वो तुम्हें रिसीव करने भी नहीं आए। तो ये सुन लेता है यहाँ पे ओजोन और उससे कहता है, एक्सक्यूज़ मी क्या कहा तुमने, जैसे भी है लेकिन वो मेरे पेरेंट्स हैं, तो तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए उनके बारे में। वो बहुत बिजी है क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा वर्क लोड है, और तुम बताओ तुम्हारे पेरेंट्स आए क्या तुम्हें लेने के लिए, ऐसा बोलता है यहाँ पे उससे ओजोन। तो सन कहता है, नहीं मेरे पेरेंट्स नहीं आए। तो यहाँ पे ओजोन कहने लगता है उससे, कैसे हैं तुम्हारे पेरेंट्स फिर। तो यहाँ पे ना ये दोनों ही हंसने लग जाते हैं फिर। तो यहाँ पे ना हम देखते हैं जो सन होता है काफ़ी ध्यान से ओजोन को देखने लग जाता है, और फिर उससे कहता है कि शायद हम लोगों को जल्दी बात करनी चाहिए थी। तो
तो यहाँ पे उससे कहता है ओजोन भी, हाँ तुमने सही कहा। फिर काफ़ी ध्यान से एक दूसरे को वो लोग देखने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो सन होता है ना, वो कहता है आए आए ऐसे करता रहता है। तो यहाँ पे उससे पूछने लग जाता है ओजोन, क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ, तो यहाँ पे वो कहता है मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, और फिर एकदम से कह देता है कि तुम अपना ख्याल रखना ओजोन। कहता है कि और बच्चों को अपने आप को अब बुली मत करने देना और अपना ख्याल रखना। तो यहाँ पे उससे कहता है ओजोन, ठीक है। हमें यहाँ पे ये महसूस होता है कि सन एक्चुअली कहना कुछ और चाहता है, लेकिन उसे कह नहीं पाता। तो यहाँ पे ओजोन भी सन से कहने लग जाता है कि तुम भी अपना ख्याल रखना। यहाँ पे उससे कहता है ओजोन, मेरा भाई आ गया है तो अब मुझे जाना होगा, और वो उसे गुड लक कहता है। सन भी उसे कहता है ठीक है, अपना ध्यान रखना और गुड लक। लेकिन जाने से पहले ओजोन उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तो यहाँ पे ओजोन ना उसे एक चिट देता है सन को, और वो कहता है मैं जा रहा हूँ। हम देखते हैं वहाँ से चला जाता है ओजोन। उसके बाद सन उस चिट को खोल के देखता है तो उस पर लिखा होता है वुड यू बी माई लव, और उससे पढ़ने के बाद यहाँ पे स्माइल करता है सन। और दोस्तों इसी के साथ ये सीरीज यानी कि ये ड्रामा जो है वुड यू बी माई लव ख़त्म हो जाता है। काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग और साथ में हैप्पी एंडिंग हो गई, तो मुझे बहुत खुशी हुई। दोस्तों आपको ये वाला ड्रामा कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताएं।